ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट गुलेन-बारे सिंड्रोम या फिर जीबी सिंड्रोम। नाउ जीबी सिंड्रोम, इट इज़ अ डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। ओके, इट इज़ अ डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। इसका मतलब क्या होगा, जो माइलिन शीट होती है नर्व में, वो एक तो डिस्ट्रॉय हो रही है और बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही है बेसिकली। तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ इम्यून मीडिएटेड कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज बाय इम्यून मीडिएटेड डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। इसमें सर्टेन एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड, और एंटीबॉडीज़ वो क्या करती है, जो माइलिन शीट होती है नर्व के अराउंड उसे डिस्ट्रॉय करती है। तो इसकी वजह से मोटर प्लस सेंसरी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। इनिशियली मोटर डिस्टर्बेंसेस, लेटर सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं। इट इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड डीमाइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स। अब जीबी सिंड्रोम के चार टाइप्स है मेन। AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, जिसमें एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द स्वान सेल। दूसरा है AMN, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, जिसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट नोड ऑफ रणवीर। देन एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, इसमें मोटर के साथ साथ सेंसरी पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। और मिलर फिशर सिंड्रोम, इसमें ऑफ्थल्मोप्लीजिया, एटेक्सिया, ए रिफ्लेक्सिया, डायरिया, ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं मिलर फिशर सिंड्रोम में। तो ये मेन टाइप हो गए चार। मोस्ट कॉमन है ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। ये चार टाइप हो गए। मेन एज इसकी होती है अराउंड 40 ईयर्स। मेल्स आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। ये सब एक्यूट भी हो सकता है, सब एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। इसमें मॉलिकुलर मिमिक्री होती है, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन्स, एग्जाम्पल माइलिन। जैसे रूमेटिक फीवर में भी मॉलिकुलर मिमिक्री होती है, ऐसे ही इसमें इनिशियली क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होगी, ये फिर क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी माइलिन सेल्स के साथ और माइलिन शीट को भी डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसके ट्रिगर कौन कौन से होते हैं, तो मोस्ट कॉमन वो है कैंपाइलोबैक्टर जीजुनाई या फिर कैंपाइलोबैक्टर एंट्रोकोलाइटिस, जिसमें हमें डायरिया देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। फिर वायरल में साइटोमेगालो वायरस, एप्सटीन बार वायरस, माइकोप्लाज्मा, हेपेटाइटिस बी, ABHIV एंड जिका वायरस, ये सारे ट्रिगर्स हो गए। मोस्ट कॉमन इज कैंपाइलोबैक्टर जीजुनाई। तो पेशेंट को जब ये मोटर वीकनेसेस फील होगी, वो हिस्ट्री देगा कि 2-3 हफ्ते पहले उसे डायरिया भी हो गया था, तो इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट कैन हैव जीबी सिंड्रोम। उसके बाद यहाँ पे बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, जीबी सिंड्रोम इज एन एक्यूट प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ पेरिफेरल सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। इसका हॉलमार्क क्या होता है, इसके हॉलमार्क में देर इज रैपिड ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस, पहले मोटर पार्ट इन्वॉल्व होता है फिर सेंसरी पार्ट, देन दूसरा लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, देन मोटर पैरालिसिस, इनिशियली डिस्टल लिम में होती है देन फिर वो प्रोक्सिमली भी प्रोग्रेस कर जाती है। देर इज प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। तो ये मेन क्लिनिकल फीचर्स हो गए, रैपिड ऑनसेट पैरालिसिस, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मोटर पैरालिसिस एंड प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। दूसरे सिम्टम्स है लाइक पेन इन द बैक, नेक एंड शोल्डर, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट इज मिनिमल और लेट, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है लेटली विच कॉजेज डेथ ऑफ द पेशेंट, कोई भी फीवर जैसे सिम्टम्स नहीं होते, ANS इन्वॉल्व होता है लेकिन वो भी लेट होता है, उनको बैक पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस होती है, पैरास्थेसिया होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वीकनेस स्टार्ट, पहले लोअर लिम में स्टार्ट होता है देन वो अपर लिम में प्रोग्रेस करता है। तो ये एक सिमेट्रिक डिसीज है, मतलब दोनों साइड सिमेट्रिकली इन्वॉल्व होती है, दोनों लोअर लिम इन्वॉल्व होता है फिर धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आता है, असेंड करता है और फिर अपर लिम भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ए रिफ्लेक्सिया, फ्लैसिडिटी, पैरापरेसिस, गोइंग इन टू क्वाड्रीपरेसिस। होपफुली ये सारे क्लिनिकल फीचर्स पता चल गए होंगे। मेन याद रखना है मोटर वीकनेस या फिर पैरालिसिस, इनिशियली लोअर लिम में होती है फिर प्रोग्रेस करती है टुवर्ड्स अपर लिम, फिर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट लेट होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर वो भी लेट होता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन वो भी लेट होता है। कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, एरिथमिया होगा, वॉइडिंग प्रॉब्लम्स होगी, देर आर नो सेरिबेलर फाइंडिंग्स, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी होती है एट लेटर स्टेजेस, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। अब उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ गुलेन-बारे सिंड्रोम। फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस आर प्रोग्रेसिव वीकनेस इन बोथ आर्म्स एंड लेग्स।
दूसरा ए रिफ्लेक्सिया। तो ये मेन दो फीचर्स हो गए, प्रोग्रेसिव वीकनेस इन बोथ आर्म्स एंड लेग एंड ए रिफ्लेक्सिया। फिर सपोर्टिंग डायग्नोसिस के लिए प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स, देन रिलेटिव सिमिट्री, ये होनी चाहिए, प्रोग्रेशन होना चाहिए, सिमिट्री होनी चाहिए, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लेकिन वो लेट होना चाहिए, क्रैनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, एब्सेंस ऑफ फीवर, कोई फीवर नहीं होगा। CSF फाइंडिंग में हमें बाकी सारे सेल्स जो है वो नॉर्मल होंगे, ओनली CSF प्रोटीन वो एलिवेटेड होगा। वैसे क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है तब सेल्स जो WBC होते हैं वो भी एलिवेटेड होता है, लेकिन CSF में बाकी सारी फाइंडिंग्स नॉर्मल होंगी, ओनली प्रोटीन जो होगा वो एलिवेटेड होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द CSF, टिपिकल इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक फैक्टर्स फीचर्स जो नर्व कंडक्शन स्टडी करेंगे उसमें इट शोज स्लो नर्व कंडक्शन, ये सारे फीचर्स होते हैं। लंबर पंक्चर हम करेंगे तो अल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, अल्ब्यूमिनो मतलब CSF प्रोटीन, साइटोलॉजी मतलब सेल्स। तो कोई भी कंडीशन में CSF में सेल्स भी इंक्रीज होते हैं और प्रोटीन भी इंक्रीज होता है, लेकिन GB सिंड्रोम में सेल्स जो होता है वो नॉर्मल रहते हैं, ओनली CSF प्रोटीन्स आर एलिवेटेड। तो एक डिसोसिएशन देखने को मिलता है, एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, जिसमें इंक्रीज्ड CSF प्रोटीन देखने को मिलता है। पेन ऑकर्स ड्यू टू नर्व रूट इन्फ्लामेशन। ये फीचर्स एक्सक्लूडिंग डायग्नोसिस है कि अगर फीवर आ गया से सिम्टम्स प्रेजेंट है जो GB सिंड्रोम में नहीं होते वो सारे। नर्व कंडक्शन टेस्ट बता दीजिए, इट शोज स्लो नर्व कंडक्शन। इलेक्ट्रो डायग्नोसिस में इट शोज मोटर कंडक्शन ब्लॉक, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है वो बता रहा हूँ, मोटर कंडक्शन ब्लॉक दिखेगा, स्लोइंग ऑफ नर्व कंडक्शन, एबसेंट एच रिफ्लेक्स, सिर्फ इतना याद रखना है। डायग्नोसिस मेन तीन चीज़ें हैं, CSF स्टडी, एंटीबॉडी डिटेक्शन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर ये दूसरी इन्वेस्टिगेशन है, एंटीबॉडीज हम कौन कौन सी डिटेक्ट करेंगे वो देखते हैं अभी। तो AIDP जो टाइप्स थे GB सिंड्रोम के उसमें मोस्ट कॉमन था AIDP, उसमें कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी, NTGM1 एंटीबॉडीज, के NTGM1 एंटीबॉडीज ये मेन एंटीबॉडी है। उसके बाद AMAN में NTGD1A एंटीबॉडीज, मिलर फिशर सिंड्रोम में NTGQ1B एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, सिर्फ ये याद रखना NTGM1 एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी, NTGM1 एंटीबॉडी, NTGD1A, दूसरी है NTGQ1B, ये भी इंपॉर्टेंट है, GQ1B एंटीबॉडीज जो मिलर फिशर सिंड्रोम में दिखेगी। अब ट्रीटमेंट में आता है, ट्रीटमेंट में मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है, या तो हम हाई डोज IV इम्यूनोग्लोबिन देंगे पेशेंट को, या फिर हम प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी देंगे। IV इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन देंगे, वो क्या करेगा, जो एंटीबॉडीज है उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसकी वजह से फर्दर डैमेज ऑफ न्यूरॉन नहीं होगा। प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी में पूरा प्लाज्मा बाहर लेंगे, एंटीबॉडीज़ को सब बाहर निकालेंगे और फिर वो प्लाज्मा इन्फ्यूज़ कर देंगे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, लेकिन मेन ट्रीटमेंट या तो हाई डोज IV इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरा है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। पेशेंट के सिम्टम्स वर्सन हुए, लाइक उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई वाइल स्पीकिंग विच डिनोट्स रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गई, हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, एबनॉर्मल ABG एरिथमिया डेवलप हो गया, देन हम पेशेंट को ICU में शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट, पेन कंट्रोल मैनेजमेंट लाइक NSAIDs एंड ओपियोइड, सपोर्टिव केयर लाइक चेस्ट फिजियोथेरेपी, इंट्यूबेशन, DVT प्रोफाइलेक्सिस, ओके डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसकी प्रोफाइलेक्सिस भी देंगे ताकि पेशेंट को थ्रोम्बोसिस ना हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कोई रोल नहीं होता इसमें, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक इम्यून कंडीशन है फिर भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कोई रोल नहीं होता। तो होपफुली ये ट्रीटमेंट क्लियर हो गई होगी, मेन पहले ये दो ट्रीटमेंट बताई वो, ये दो ट्रीटमेंट, फिर सपोर्टिव केयर, ICU मैनेजमेंट, मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेन कंट्रोल, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इंट्यूबेशन एंड DVT प्रोफाइलेक्सिस, ये उसकी ट्रीटमेंट। ये था पूरा GB सिंड्रोम, पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी, ये होता किसकी वजह से, इसके ट्रिगर्स देखे, देन उसके मेन क्लिनिकल फीचर्स देखे, कि जो मेन दो फीचर हुए प्रोग्रेसिव वीकनेस इन बोथ लिम्स एंड ए रिफ्लेक्सिया। उसके बाद ये सपोर्टिंग फीचर्स देखे, लैब इन्वेस्टिगेशंस देखी, CSF फाइंडिंग्स क्या होगी वो देखी, नर्व कंडक्शन टेस्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन देखा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।